अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द लेक्चर फॉर हिस्ट्री क्लास 8 बारादरी कैंपस गुजरात। वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। ओपन द पेज नंबर 7। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो रबतों का जरिया था, सिस्टम था, वो कैसे बनाया, कैसे डिवेल्प हुआ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवेल्प फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग इट्स रूल। नंबर 1 था पोस्टेज एंड टेलीकॉम, एंड नंबर 2 था रेलवेज एंड रोड्स। नंबर 1 है पोस्टेज एंड टेलीकॉम। पोस्टेज यानी पोस्टल सर्विस, जैसे पोस्टमैन होता है। अब जो हार्ड फॉर्म में या पेपर फॉर्म में लेटर्स एक दूसरे को भिजवाते थे, उसको पोस्टेज सिस्टम कहा जाता है। एंड टेली कहते हैं दूर को, कॉम कहते हैं रबते को। जैसे टेलीविजन होता है, टेली दूर, विजन देखना यानी दूर से देखना, तो इसी तरह की टर्म है टेलीकॉम। द पोस्टल डिपार्टमेंट वॉज ऑर्गेनाइज ऑन मॉडर्न लाइन्स एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इन नीड ऑफ एफिशेंट पोस्टेज सिस्टम टू सेंड ऑर्डर्स थ्रू आउट द कंट्री। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो चूँकि अपने ऑर्डर्स जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ऑफिसज़ में भिजवाने होते थे, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक पोस्टल डिपार्टमेंट हो, यानी लेटर्स एक से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी था। न्यू पोस्ट ऑफिस वर ओपन एंड ट्रेन पीपल वर अपॉइंटेड। अब न्यू पोस्ट ऑफिसेस वगैरह ओपन किए गए और उसमें ट्रेन पीपल जो है ना अपॉइंट किए गए। इन 1887 जनरल पोस्ट ऑफिस GPO वाज एस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। 1887 में लाहौर में जनरल पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया, कायम किया गया। अ क्लोज कोऑर्डिनेशन वाज डिवेल्प अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सिस्टम। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक क्लोज कोऑर्डिनेशन कायम की गई कि इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, पोस्टेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट also improved the telegraph system. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेलीग्राफ सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, यानी जो फैक्स सिस्टम होता था, वहाँ से एक पेपर उसमें मशीन में डाल देते थे और नेक्स्ट उसमें से निकल आता था, जिसे अब मॉडर्न उसमें ईमेल कहा जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इट्स ऑन बेनिफिट, हायर द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्राम इट। अब ये वाला सिस्टम जो है, ये पोस्टल सिस्टम और टेलीकॉम सिस्टम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लिए बनाया था, यानी ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए बनाया था, लेकिन इससे आम लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। द इंक्रीज इंट्रैक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ थिंग्स अमंग द पीपल रिजल्टेड इन ट्रेड डेवलपमेंट। अब इसकी वजह से जो है ना, ट्रेड डिवेलपमेंट बढ़ गई। द पोस्टल एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम हैड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द पीपल। पोस्टल एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का लोगों पे एक मुस्बत असर डाला लोगों पे। नंबर 2 है रेलवेज एंड रोड्स। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। स्टेबिलिटी कहते हैं मजबूती को, यानी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था कि मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी था कि रबते का कोई ज़रिया हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो कोई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड रेलवे वॉज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो है, रेलवे जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ कम्युनिकेशन का जरिया था, रबते के लिए सबसे तेज़ था। देयर फॉर रेलवे लाइन्स वर स्प्रेड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। इसीलिए जो है, सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सगीर में रेलवे लाइन्स बिछाई गई। रेलवे स्टेशन वर एस्टेब्लिश इन इम्पॉर्टेंट सिटी एंड टाउन्स। जो बड़े शहर थे, इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, टाउन्स थे, वहाँ पर रेलवे स्टेशन कायम किए गए। रेलवे गेट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेलवे क्रॉसिंग टू फैसिलिटेट द सिटीजन्स। अब रेलवे गेट्स बनाए गए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, जो शहरी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेंज द टाइम टेबल ऑफ रेलवे एंड इंट्रोड्यूस द टिकटिंग सिस्टम। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही जो है, रेलवे का टाइम टेबल इंट्रोड्यूस करवाया, और टिकटिंग सिस्टम भी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था। थ्रू दीज स्टेप्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इंक्रीज टूवर्ड्स रेलवे एंड दे प्रेफर टू ट्रेवल ट्रेन एज दे थॉट इट्स सेफ। अब इन स्टेप्स की वजह से जो है, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जो रेलवे का जो सफ़र है वो सबसे ज़्यादा सेफ है, और वो प्रेफर करते थे ट्रेन पर ट्रेवल करना। The British government improved the existing roads and constructed new roads throughout the subcontinent. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी रोड्स थी उनको भी इम्प्रूव किया, और जो है न्यू रोड्स को भी बनाया। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेज ओवर कैनाल्स एंड रिवर्स। उन्होंने नदी और नालों पर पुल भी बनाए। दे डेवलप्ड बस स्टैंड एंड ट्रेन द स्टाफ टू फैसिलिटेट द पैसेंजर्स। अब उन्होंने बस स्टैंड भी बनाए ताकि वो पैसेंजर्स को
फैसिलिटेट कर सके इसके लिए उन्होंने पूरे स्टाफ को ट्रेन किया। द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट मेड द जर्नी ईजियर एंड फास्टर। अब इस गवर्नमेंट के इन जो जो स्टेप्स उन्होंने लिए थे उसके डेवलपमेंट के लिए, रेलवे एंड रोड्स को बनाने के लिए या उसकी जो डेवलपमेंट के लिए, उसकी वजह से लोगों के लिए सफ़र करना बहुत आसान हो गया और वो बहुत जल्दी से बहुत तेज़ हो गया, फास्टर हो गया। सम हिस्टोरियन सेड दैट द ब्रिटिश डिड इट फॉर देमसेल्व्स बट द कॉमन मैन आल्सो गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज स्टेप्स। अब जो है ब्रिटिश ने ये स्टेप्स तो अपने लिए लिए थे लेकिन इसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो भी फैसिलिटेट हो गया, यानी कि उसको भी इन चीज़ों का फ़ायदा पहुँचने लगा।